हमारा जो पेंसिल कैलीग्राफी है वो ऑलमोस्ट हमने सारे अल्फाबेट्स कर लिए हैं, और थोड़ा हम लोगों ने कोटेशन को कैसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं वो भी हमने सीख लिया है। वो साइड बाय साइड चलता रहेगा, बट किसी की रिक्वेस्ट थी कि अल्फ़ाबेट्स में जो शेडो होती है वो हम लोग कैसे डालते हैं, तो चलिए आज वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हम लोग एक अल्फ़ाबेट में शेडो डाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने अल्फ़ाबेट ए ले लिया है। इस लेटर में हम देखेंगे कि शेडो कैसे डालेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो लाइट सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। अगर वो यहाँ से आ रहा है तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड पर शेडो बनती है। हमेशा हमें याद रखना है कि ऑपोजिट साइड पर ही शेडो बनेगी। अगर वो इधर से आ रहा है लाइट सोर्स तो इस साइड पे शेडो बनेगी, ऊपर से आ रहा है तो नीचे शेडो बनेगी। तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए लाइट सोर्स ले लेते हैं यहाँ से। थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा डायरेक्शन, मैंने एरोज बना दिए हैं डायरेक्शन देखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर है तो हमारी शेडो थोड़ा सा नीचे जाएगी, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर भी आएगी शेडो, इस पार्ट पर भी आएगी क्योंकि लाइट यहाँ है, ये इनसाइड वाला पार्ट है। यहाँ पर नहीं आएगी, ये इसके फ्रंट में आ रहा है, यहाँ पर आएगी थोड़ी सी, और ये पूरी लाइन होगी इसकी इधर वाले पार्ट में आएगी। तो अब हम लोग इसे शेड कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए इसे डार्कर कर रही हूँ लाइंस को। तो ये हमारा हो गया है, इधर लाइट है और दूसरे पार्ट पर यहाँ पर शेडोज हैं। ऐसे ही हम थोड़ा राउंड में बना कर देखते हैं सेम अल्फाबेट। सेम डायरेक्शन से लाइट आ रही है, लाइट सोर्स यही है, शेडो भी सेम ऑब्जेक्ट की शेप का ही हमें बनाना होता है। ये हमारा दूसरी शेप में अल्फाबेट हो गया है। ऐसे ही हम लोगों को शेडो देखनी है कि शेडो कहाँ से, लाइट कहाँ से आ रही है और शेडो उसके ऑपोजिट किधर जाएगी। थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप।